नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। गुजरात में बिहार के लोगों के साथ हो रही मारपीट से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उच्चतम न्यायालय ने सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर गंभीर चिंता जताई। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री और सांसद मीसा भारती ने अपने दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के मनमुटाव के लिए पार्टी के कुछ नेताओं को बताया जिम्मेदार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज व्यवस्था की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात में बिहार के लोगों पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से टेलीफोन पर बात की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से बिहार के लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। साथ ही उन्होंने श्री रूपाणी से इस मामले के दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और अब तक 42 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 342 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्री रूपाणी ने कहा कि पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और वैसी बस्तियों तथा फैक्ट्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां उत्तर भारतीय लोग काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात के साबरकांठा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बिहार के एक मजदूर की संलिप्तता सामने आने के बाद वहां के कई शहरों में बिहार के लोगों समेत उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। गुजरात से बिहारियों का पलायन लगातार जारी है। उच्चतम न्यायालय ने सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अखबारों में आए दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। कहीं लड़की का कंकाल मिलता है तो कहीं छेड़छाड़ से खुद को बचाने की कोशिश करने पर लड़कियों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। न्यायालय ने ऐसे मामलों पर केंद्र को पीड़ित के साथ साथ आरोपी किशोरों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है। पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा है कि त्रिवेणीगंज मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर पीड़िताओं को न्याय दिलाया जाएगा। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री और सांसद मीसा भारती ने स्वीकार किया है कि उनके दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच मनमुटाव है। आज पटना के मनेर में एक कार्यक्रम में श्रीमती भारती ने कहा कि प्रत्येक परिवार में मनमुटाव होता है और इससे उनका परिवार भी मुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मनमुटाव के पीछे पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ है जिन्हें सामने आना चाहिए। इधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीसा भारती की स्वीकारोक्ति के बाद कहा है कि दोनों भाइयों के बीच लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है जिसका परिणाम आने वाले समय में पार्टी में टूट के रूप में दिखेगा। प्रदेश में आज से जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज व्यवस्था शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस व्यवस्था की विधिवत शुरुआत की। साथ ही ऑनलाइन लगान जमा करने की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। इस नई प्रक्रिया में निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से जोड़ दिया जाएगा जिससे जमीन की रजिस्ट्री होते ही अंचल कार्यालय को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और स्वतः म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान खरीददार इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन भी देख सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दलालों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के शुरू हो जाने से भूमि विवाद और आपराधिक मामलों में कमी आएगी। सीवान जिले के बरहड़िया प्रखंड के हरिहरपुर लालगढ़ के एक युवक में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस युवक में जीका वायरस मिले हैं उसके पूरे परिवार के रक्त के नमूने की जांच करवाई जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि पीड़ित जयपुर में रहता है और परीक्षा देने सीवान आया हुआ है।
उन्होंने बताया कि जीका वायरस मिलने के बाद सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की गयी है। जीका बुखार एक वायरस जनित बुखार होता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द, सर दर्द और शरीर पर लाल चकते हो जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज समाप्त हो गया। पितृपक्ष के अंतिम दिन गया में पिंडदानियों की भारी भीड़ देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 15 दिनों के दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने पितरों का पिंडदान किया। इस अवसर पर आज शाम विष्णुपद मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 1 नवंबर से हृदय की बाईपास सर्जरी होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि यह ऑपरेशन सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत शुरू की जाएगी। इसके लिए मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना के तहत 1,80,000 रूपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। मुंगेर जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों के खेतों की उपज शक्ति बढ़ रही है और फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को अपने खेत के मिट्टी के पोषक तत्व के बारे में उपयोगी जानकारी मिल रही है। एक महिला किसान ने बताया कि जब से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बना है, रासायनिक उर्वरकों पर उनकी निर्भरता भी कम हुई है। मेरा नाम चांदनी कुमारी है और मैं मुंगेर जिले के पचरुखी गांव से आई हूं। कार्ड के बारे में पता चलती है कि हमारी मिट्टिया में कौन कौन सी कमी है, उनसे जांच करके ही हम अपनी मिट्टी को ये कमी है, ये खाद की कमी है उनमें देते हैं और इससे हमें सही मात्रा में पता चलती है कि हमारी मिट्टी में कौन सी कमी है। मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रहलाद कुमार ने बताया कि जिले के किसान मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। अपने सॉयल हेल्थ कार्ड में ये दर्शाते हैं कि कौन सा फसल का आप अनुशंसा लेना चाहते हैं किसान भाई, उस अनुशंसा के आधार पर किसान भाई खेती करते हैं और खेती करने में अपना लाभ प्राप्त करते हैं, उससे उनका लागत कॉस्ट भी कम होता है और उपज ज्यादा ले पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चालू वित्त वर्ष के दौरान मिट्टी जांच कर 1,000 से अधिक किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हृदयकांत मिश्र। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के लाइसेंसी पिस्टल, बंदूक और 6 कारतूस को पुलिस ने आज जब्त कर लिया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आज उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जेपी के पैतृक गांव सिताब दियारा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर लोकनायक को याद किया गया। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करडी गांव से पुलिस ने 65 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। इधर कटिहार नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 274 पैकेट शराब के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत एमा में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप मालिक से हथियार के बल पर 5,00,000 रुपए लूट लिए। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र से पुलिस ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 63 बोरा खाद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में 10 और 11 अक्टूबर को कैंप लगाकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन में बरती जा रही अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। गुजरात में बिहार के लोगों के साथ हो रही मारपीट से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उच्चतम न्यायालय ने सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर गंभीर चिंता जताई। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री और सांसद मीसा भारती ने अपने दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के मनमुटाव के लिए पार्टी के कुछ नेताओं को बताया जिम्मेदार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के पहले चरण में 422 वार्डो का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच आज शाम सम्पन्न हो गया। इस चरण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवीजन में वोट डाले गए।
जम्मू डिवीजन के 238 वार्डों में से जम्मू जिले के 153 वार्डों, राजौरी के 59 और पुंछ जिले के 26 वार्डों में वोट डाले गए। जम्मू जिले में 153 वार्डों में करीब 64% मतदान हुआ, जबकि सीमावर्ती राजौरी जिले के 59 वार्डों में 81% वोट डाले जाने की खबर है। पुंछ जिले के 26 वार्डों में 74% मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने की खबर है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा जिले में 32.3% मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि करगिल में 78.2% मतदान की खबर है। लेह में शाम 4 बजे तक 55.2% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे समर्पित होकर कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी दक्षता से निभाएं। श्री मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2017 के बैच के 100 प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उन 33,000 पुलिसकर्मियों के बलिदान का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने दायित्व के निर्वाह में अपनी जान न्यौछावर कर दी। बातचीत के दौरान सुशासन, अनुशासन और आचरण, महिला सशक्तिकरण और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और ताजिकिस्तान परस्पर महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ताजिकिस्तान को विकास परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ डॉलर का अनुदान देने की पेशकश करेगा। श्री कोविंद की ताजिकिस्तान की यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने राष्ट्रपति इमोम अली रहमोन से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों ने राजनीतिक संबंधों, अनुसंधान, कृषि, अक्षय ऊर्जा, परंपरागत औषधियों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, युवा मामलों, संस्कृति और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। श्री कोविंद ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य और विकास भागीदारी में परस्पर सहयोग बढ़ाने की भरपूर संभावनाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय क्षेत्रीय सम्मेलन जोन 3 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्रीमती महाजन ने कहा कि पूर्वोत्तर का देश में महत्वपूर्ण स्थान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जोर दिया है। सम्मेलन के दौरान चर्चा के मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और घुसपैठ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों पर बात किए बिना कोई भी बहस सार्थक नहीं है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह सम्मेलन लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सम्मेलन में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने कहा है कि उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और इस बारे में ठोस कार्यक्रम भी तैयार करना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारत जलवायु नीति और व्यावसायिक सम्मेलन 2018 का उद्घाटन करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव सीके मिश्र ने कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्योगों के प्रयासों में मदद के लिए विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के रोहतक का दौरा करेंगे, जहां वे सांपला में दीनबंधु सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री सोनीपत में एक जनसभा में रेल डिब्बा मरम्मत कारखाने की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर एक पट्टिका का भी अनावरण करेंगे। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि राफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइलें हासिल करने से देश की वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। वे आज गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना अड्डे पर वायुसेना की 86वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में वायुसेना के योगदान की सराहना की। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट के सिलसिले में उबरकर आज 97 अंक बढ़कर 34,474 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक उछलकर 10,348 पर जा पहुंचा। जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में सुयश जाधव नारायण ने तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इन खेलों में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय तन्वी तनेजा। In Jammu and Kashmir, voting for the first phase of urban local body elections ended peacefully this evening. In this phase, polling was held for 422 wards spread across all the 3 regions, Jammu, Kashmir and Ladakh. In Jammu division, polling was held in 238 wards, which include 153 wards in Jammu district, followed by 59 in Rajouri district
and 26 wards in Poonch district. In Jammu district, around 64% polling was recorded in 153 wards, whereas 81% polling was recorded from 59 wards of border district of Rajouri. However, in 26 wards of border district of Poonch, 74% electors had cast their votes. The chief electoral officer informed that 32.3% voter turnout is recorded in Kupawara district of Kashmir division, while Kargil recorded 78.2% till 4 p.m. Leh recorded 55.2% voter turnout till 4 p.m. Prime Minister Narendra Modi has called upon IPS probationers to work with dedication and perform with distinction the various roles and responsibilities that they would be looking after. Mr. Modi was interacting with 100 probationers of the 2017 batch of the Indian Police Service, IPS, in New Delhi today. The Prime Minister also recalled the sacrifices of over 33,000 police personnel who have laid down their lives while performing their duty. The Prime Minister will visit Rohtak in Haryana tomorrow. During the visit, Mr. Modi will unveil a statue of Deen Bandhu Sir Chotu Ram at Sampla in Rohtak. At a public meeting, the Prime Minister will also unveil a plaque to mark the laying of foundation stone of the rail coach refurbishing Karkhana, Sonipat. Once complete, this will be a major repair and maintenance facility for rail coaches in the northern region. President Ramnath Kovind today said that India and Tajikistan have agreed to further strengthen their strategic partnership. India will also offer a grant of $20 million to Tajikistan for development projects. On second day of his visit to the Central Asian country today, President Kovind had a meeting with President of Tajikistan, Mr. Imom Ali Rehmon, at the Palace of President. On this occasion, both countries have signed MOUs in various fields. UN General Assembly President Maria Fernanda Espinosa has said India's success in achieving the Sustainable Development Goals can change the face of the world. Describing India as a very important player of the multilateral system, Ms. Espinosa said she is very much looking forward to engaging and working together with India under her presidency of the 193-member UN General Assembly. Espinosa, Ecuador's former Minister of Foreign Affairs, has been elected president of the 73rd session of the UN General Assembly. This year's Nobel Prize for Economics has been awarded to William Nordhaus and Paul Romer of the United States for their work on sustainable growth. The research of the two U.S. economists focuses on how climate change and technology have affected the economy. The Royal Swedish Academy of Sciences said they had addressed some of our time's most pressing questions on how to achieve sustainable growth. Air Chief Marshal B.S. Dhanoa has said the acquisition of Rafale fighter jets and S-400 missiles will enhance the country's Air Force capabilities. He was speaking at a function to mark the 86th anniversary celebrations of the Indian Air Force at the Hindon Air Force Station in Ghaziabad this morning. Air Chief Marshal Dhanoa lauded the efforts of the Air Staff for their contribution to the nation. The government today said the industry should make use of the new technologies to reduce carbon emissions and called for a concrete roadmap of action. Inaugurating the India Climate Policy and Business Conclave 2018 in New Delhi today, Environment, Forest and Climate Change Secretary C.K. Mishra said the government is working on a regulatory framework to facilitate climate change mitigation efforts of the industry. The Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 97 points to 34,474. The Nifty at the National Stock Exchange also surged 32 points to 10,348. The onset of the northeast monsoon has been delayed. The chief of the meteorological department in Chennai, Dr. Balachandran, told the media the cyclonic storm formed in the Arabian Sea and the well-marked low-pressure area in the Bay of Bengal have altered the onset of the monsoon. He said the two weather phenomena in the two adjoining seas have changed the course of the wind shear, leading to its delay. And that is the end of this news bulletin.